अस्सलाम को व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सानिया परवीन और आप देख रहे हैं सानिया फूड जंक्शन। तो मसाला से आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वनीला केक, जिसका स्पंज हम खुद ही तैयार करेंगे, वो भी विदाउट ओवन, एक पतीली के अंदर, और ये बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वनीला स्पंज केक बनाने के लिए आपने चाहिए होगा 4 अदद अंडे, और इन्हें तोड़कर दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेना है, यानी एग योक और एग वाइट को। और एग योक को इस तरफ रखेंगे और तमाम अंडों को इस तरीके से तोड़ लेंगे। तो चारों अंडों को हमने तोड़ लिया है। अब एक योग के अंदर हम डालेंगे 4-5 ड्रॉप वेनिला एसेंस का और साथ में ही 1/4 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये बिल्कुल रेडी है, तो इसे हम करेंगे साइड और एक वाइट को हम बीट करेंगे तब तक जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे अगर आप बीटर का यूज़ करेंगे, अगर हाथों की मदद से आप बीट कर रहे हैं तो 5 से 7 मिनट लगेंगे। अच्छे से बीट हुए एग योक के अंदर हमें डालना है चीनी। तकरीबन यहाँ पे मैं 1/4 कप यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको चीनी पसंद है, यानी कि शुगर आप ज़्यादा खाते हैं, तो आप यहाँ पे और भी फेंट सकते हैं। अब यहाँ पे हमें अच्छे से मिक्स किया हुआ एग योक डालना है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हल्का हल्का सा मैं बीट भी कर रही हूँ लो स्पीड पे, और इसमें एग योक भी डाल रही हूँ, यानी कि पीले अंडे की जर्दी। और ये बिल्कुल रेडी है। अब हमें यहाँ पे डालना है फाइन फ्लोर यानी कि मैदा। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 2 कप ले रही हूँ बिल्कुल भर के, और साथ में ही 1/3 कप मैं ले रही हूँ रिफाइंड का ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। आप इसकी जगह पे बटर भी डाल सकते हैं। तो बारी बारी करके आप थोड़ा सा डालें मैदे में से, और फिर अच्छे से इसे मिक्स करें। कट एंड फोल्ड मेथड से हमें इसे मिक्स करना है, इस तरीके से गोल घुमाएं और बीच से कट कर दें, और साथ में ही रिफाइंड ऑयल को भी आपको थोड़ा थोड़ा डालकर ऐसे ही हमें मिक्स करना है, जैसे कट एंड फोल्ड, कट एंड फोल्ड। तमाम मैदा को हमने इसके अंदर मिला लिया है। बेसिकली यहाँ पे 200 ग्राम हमने मैदा यूज़ किया है, और साथ में ही 1/4 कप मैं इसमें डाल रही हूँ दूध, और बचे हुए जो ऑयल हैं हमारे उन्हें भी अच्छे तरीके से डालकर हम मिक्स कर लेंगे। साथ में ही मैंने इसमें 1/2 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डाला है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। साथ में ही मैंने 1/2 कप इसमें दूध और डाला है ताकि ये थोड़ी और पतली हो जाए। अभी इस वक्त ये बहुत गाढ़ी है, तो अब हमें केक टिन को रेडी कर लेना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे रिफाइन की ऑयल इसमें स्प्रे की है, और आपने चाहिए होगा बटर पेपर। अगर ना हो तो आप इस तरीके का कोई सा भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर से फिर से थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डाल दें और इन्हें अच्छे से मिक्स कर दें, तो ये आपका बिल्कुल बटर पेपर का काम करेगा। चारों तरफ से आपने रिफाइन की ऑयल स्प्रेड कर देनी है, और साथ में ही मैं साइडों में भी लगा रही हूँ पेपर, ताकि हमारा केक बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से कुक हो और इसमें ड्राइनेस ना आए। तो ये रेडी हो गया हमारा केक टिन। अब तो हम केक का बैटर इसके अंदर पोर कर देंगे। अब हमें यहाँ स्कीवर्स चाहिए। स्कीवर की मदद से आपने इस तरह से राउंड राउंड कर देना है, ताकि अगर एयर बबल्स हो वो निकल जाए, आपका केक इक्वली बिल्कुल स्प्रेड हो जाए, कहीं पे भी ज़्यादा और कम ना हो, और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हल्का सा 2-3 बार टैप करेंगे और ये बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैंने पतीली को प्रीहीटेड होने के लिए रख दिया था 5 मिनट से, जो कि मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैंने केक टिन को डाल देना है। तो नीचे मैंने नमक रखा है, ऊपर स्टैंड, और ऊपर से मैंने केक टिन को डाल दिया। ढक के इसे हम तकरीबन 40 से 45 मिनट तक बेक करना है हमें मीडियम लो फ्लेम पे। और जब तक हमारी केक बेक हो रही है, हम यहाँ पर रेडी कर लेंगे अपनी व्हिपिंग क्रीम, जो कि मैंने पाउडर में लिया है, और ये 200 ग्राम है।
और इसके अंदर हमें यहाँ पे 1/4 कप के जितना डाल देना है दूध, और यही इसकी मेजरमेंट है जो कि बॉक्सेस पे भी लिखी थी। अगर आपके पास लिक्विड व्हिपिंग क्रीम है तो आप उसको भी व्हिप्ड कर लें। तो स्टार्टिंग में मैंने लो स्पीड पे बीट करना स्टार्ट किया तकरीबन 2 मिनट, और 2-2 मिनट करके ऐसे मैंने स्पीड बढ़ाकर लास्ट पॉइंट पे मैंने हाई स्पीड कर दिया, और ये हमारी देखें व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल रेडी है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी और इसमें कुछ कलर्स डालूँगी ताकि डेकोरेशन में हमें थोड़ा खूबसूरत लगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आसमानी कलर का। तो डार्क ब्लू थी ये, लेकिन हमने इसमें थोड़े से ही डाले हैं तो इसलिए ये लाइट ब्लू हो गई है, बिल्कुल स्काई कलर की। अच्छे से हम फेंट लेंगे और ये बिल्कुल रेडी है। अब इन्हें हम पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे, और यहाँ पे तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं और हमारा केक जो है वो अच्छे से बेक हो चुका है। तो इसे हम टूथपिक की मदद से चेक कर लेंगे और ये बिल्कुल रेडी है। बहुत सहूलियत से आपने इसको निकाल लेना है क्योंकि पतीली जो हमारी है इस वक्त बहुत गर्म है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब नाइफ़ की मदद से आपने चारों तरफ से इस तरीके से कट्स लगा देना है। 5 मिनट मैंने इसको ठंडा कर लिया है, और ये देखिए हमारी केक कितनी सॉफ्ट बनी है। और ये देखिए नीट एंड क्लीन। अब इसके ऊपर से हम अपनी पेपर्स को निकाल लेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है ताकि केक को हमें पकड़ने में हाथ नहीं जले। अब इसे हमें 3 भागों में इक्वली भागों में डिवाइड कर देना है, इस तरीके से हमें कट कर लेनी है। और ये देखें, तो ये देखिए मसाला से हमारी केक कितनी सॉफ्ट बनी है और स्पंजी। मैंने 3 भागों में इसे डिवाइड कर दिया है, और ये जो सबसे लास्ट के नीचे बॉटम पार्ट थी आपने उसको कट कर लेना है, क्योंकि बॉटम पार्ट हमेशा से ही हल्का ड्राई होती है, तो ऊपर की जब आप परत निकाल देंगे तो आपका केक जो है वो जब आप बिल्कुल डेकोरेट करके कट करेंगे तो कोई से भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आप इसको खा सकते हैं ऐसे ही। और ये देखिए डन। 5-10 मिनट केक को आपने ठंडा कर लेना है ताकि फ्रॉस्टिंग इसके ऊपर अच्छे से लगे। अब यहाँ पे हमें टर्न टेबल के लिए एक चाहिए होगा कटोरी और एक बड़ी सी ढक्कन, और इस तरह से रखेंगे आपका टर्न टेबल बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर आपने रखना है केक बोर्ड अगर आपके पास हो तो, और व्हिपिंग क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था। अगर आपकी व्हिपिंग क्रीम की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आपको फ्रिज में रखने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने केक बोर्ड के ऊपर लगा देना है थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम ताकि आपका केक जो है स्टेबल हो जाए, और एक केक का आपने लेयर रख देना है इसके ऊपर, और अच्छे से ऊपर व्हिपिंग क्रीम का एक लेयर लगा देना है। अभी कोई से भी आपके घर में अगर बड़ी सी नाइफ हो आपने उसको ले लेना है, और उसकी मदद से अच्छे से इसके ऊपर हमें व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर्स लगा देनी है। अगर आपके पास स्पैचुला हो तो आप उससे भी लगा सकते हैं। दूसरी केक का लेयर रखेंगे, और यहाँ पर मैं भूल गई थी केक के ऊपर शुगर सिरप का स्प्रे करना, तो मैं दूसरी लेयर में इसको लगा रही हूँ। तो बेसिकली मैंने पानी के अंदर डाला था थोड़ा सा चीनी और ऊपर से इसको लगा दिया। दूसरे लेयर्स के ऊपर मैंने व्हिपिंग क्रीम लगाया है, और साथ में थोड़े से मैं चॉकलेट सिरम लगा रही हूँ ताकि बिल्कुल वनीला वनीला फ्लेवर ना हो। थोड़ा सा चॉकलेट डाल रही हूँ ताकि वनीला फ्लेवर को हल्का सा ये कट करें। आप चाहें तो पूरा वनीला भी लगा सकते हैं अगर आपको बिल्कुल पसंद है तो। ऊपर से थोड़ा सा शुगर सिरप लगाएंगे और ऊपर से हम पूरी तरीके से केक को ढक देंगे। जब भी आप केक बनाएं तो आप व्हिपिंग क्रीम का क्वालिटी अच्छा ही लें। बहुत बार प्रॉब्लम होती है, मुझे भी बहुत बार प्रॉब्लम हुई थी केक बनाने में, लेकिन हाँ अगर आपका व्हिपिंग क्रीम का क्वालिटी बहुत अच्छा होगा तो केक भी बहुत अच्छे से डेकोरेट हो पाएगा।
अब यहाँ पे मैंने रैपर लेके इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब इस तरीके की अगर आपके पास डिज़ाइनर हो तो आप उसकी मदद से इस तरह से आप नीचे का पार्ट जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं। जस्ट एक बार घुमाना है और ये हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने स्काई ब्लू वाली जो पाइपिंग बैग मैंने व्हिपिंग क्रीम फिल की थी उसकी मदद से हम इस तरीके से इसमें डेकोरेशन कर लेंगे और ऊपर थोड़ी सी फ्लावर्स बनाएंगे। और यहाँ पे मेरे पास स्प्रिंकल्स थी तो उसके भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और ये हमारा केक जो है वो बिल्कुल रेडी है। आधे घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा था और ये बिल्कुल सेट हो गई थी और राइट अवे मैंने इसको सर्व कर दिया कट करके। तो देखिए हमारा केक कितना सॉफ्ट बना है। तो अगर से आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कर दीजिएगा एक छोटा सा कमेंट। और तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।